थैंक यू काफी चमक रही हूँ मैं बट यस इट्स अ सीजन टू शाइन एंड स्पार्कल बट वी आर हियर फॉर द लॉन्च ऑफ द जेसी लोगो फॉर द ऑटम विंटर 2019 कलेक्शन एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड आई एम वेयरिंग द जो ऑल एवरीथिंग इट्स ऑल द जेसी लोगो ऑन द शूज ऑन द बैग्स इट्स रियली कूल या परफेक्ट फॉर द सीजन एंड यू नो स्टाइलिश यू नो हर कोई कहता है कि मलाइका जी बहुत फिट है ना आप है भी फिट एक बात है स्टाइलिश स्टाइलिश सुनना कितना पसंद करती हैं मलाइका जी आई थिंक कभी भी कोई कॉम्प्लीमेंट मिले अच्छा ही लगता है अगर फिट हो या स्टाइलिश हो या यू नो फैशन आइकन हो जो भी हो आई थिंक अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर मैं आपको भी कहूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा सो यस कॉम्प्लीमेंट्स ऑलवेज वेलकम आई थिंक मेरे लिए दिवाली बहुत ही ट्रेडिशनल एक फीलिंग होता है आई लाइक इट दैट वे तो हर साल मैं या साड़ी पहनती हूँ या लहंगा मैं पहनती हूँ सो आई लाइक टू कीप इट रियली रियली ट्रेडिशनल आपकी तरफ से एक दिवाली यस विशिंग एवरीबॉडी फ्रॉम मी टू यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एक्चुअली मैं जिमी चू की बहुत बड़ी फैन हूँ बहुत सालों से इवन बिफोर इट केम टू इंडिया एंड दीपिका एंड एंटायर टीम आर वेरी गुड फ्रेंड्स आज उनकी नई कलेक्शन का लॉन्च है द न्यू लोगो विच इज शाइनी एंड ब्यूटिफुल very cool and I'm loving the look bahut acche lag rahe hain jo bags aur boots hain they sent me this very cool bag and some boots jo maine aaj nahi pehne I'm going to save that for another day but yeah I love the collection kis tarike ki trend ko aap follow karte hain agar aapke agar personally agar baat karoge which kind of fashion you follow I honestly follow my own trend because I think it's nice to see ki fashion mein kya ho raha hai updated rehna chahiye the colors of the season the silhouettes the styles lekin main un ladkiyon mein se nahi hu jo aisi cheezein pehne jo just for the sake of fashion I kind of believe I know what works for me and I stay in that lane lekin definitely agar power shoulders are in I'll try it certain colors I'll try it but zyadatar I don't want to follow fashion blindly I think stylish actor या fittest actor क्या सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं? Oh my God, stylish तो लोग काफी time से कह रहे हैं. It's really nice to be fittest actor right now because of my new show Work It Up. I think लोगों को पहला episode बहुत पसंद आया और अभी काफी episodes बाकी हैं. And I am working out right now a lot to be fit, not to be skinny, but just to be fit and to keep up with everyone. क्योंकि मुझे भी show पे workout करना पड़ेगा और अभी तो लड़के भी आएंगे show पे तो it's gonna be very tough. But yeah, it's very nice to be recognized for style, but fitness is very important. ट्रैवलिंग आई लव ट्रैवलिंग आई मीन हाफ माई लाइफ इज इन अ प्लेन और द एयरपोर्ट क्योंकि मैं ज़्यादातर शोज के लिए ट्रैवल करती हूँ विच इन इट सेल्फ आई हैव टू बी फिट फॉर मुझे दूसरे कंट्रीज और कल्चर्स को देखना बहुत पसंद है आई लव टू लर्न अबाउट दैट तो आई एब्सोल्युटली लव ट्रैवलिंग इवन इफ इट्स जस्ट लोकली मुझे बहुत पसंद है ट्रैवलिंग आई थिंक अगर आप हमारी यंग जनरेशन की बात करें आजकल वो पैसे ज़्यादा ट्रैवलिंग पे ही खर्च रहे हैं बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो आउट देयर एंड एक्सप्लोर एंड ओनली बाई ट्रैवलिंग कैन यू एक्सपैंड योर होराइजन्स सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रैवलिंग आप नए कल्चर्स न्यू फूड न्यू स्टाइल यू नो हर एक मुल्क में कुछ अलग होता है जो आपको देखने को मिलता है आई थिंक ट्रैवलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिवाली भी आ रही है तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होती है सोफी जी की तरफ से डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्लानिंग होती है होपफुली देयर इज अ फ्यू नाइस पार्टीज टू गो टू घर भी बहुत सजाते हैं खूबसूरती से इस साल खाने में चीटिंग थोड़ी कम होगी बिकॉज आई एम शूटिंग फॉर माई शो सो आई हैव टू बी केयरफुल एंड डेफिनेटली होपफुली गेटिंग लॉट्स ऑफ नाइस गिफ्ट्स आपकी तरफ से दिवाली विश जी बिल्कुल सारे दर्शकों को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आई होप इट्स ब्यूटिफुल होप इट्स स्पार्कली एंड ब्राइट एंड प्लीज़ पटाखे मत फोड़िए बिकम अ पटाखा इंस्टेड थैंक यू